नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फॉर यू में। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है पंजाब नेशनल बैंक में चपरासियों के पदों पर भर्ती। इसके लिए है जो क्वालिफिकेशन है जो 12वीं पास चाहिए और पद है जो 209 है। हरियाणा में सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग दिए गए हैं, कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज भी दिए गए हैं, तो उनकी डिटेल्स है जो आपके सामने लेके आया हूं मैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हिसार के लिए ओस्टेट टोटल है जो 7 है, एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2, जनरल के लिए 2 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 1। अंतिम तिथि है जो 26 फरवरी है, 26 फरवरी यानी कि आज से 3 दिन बाद, और भिवानी के लिए भी है जो 12 है, इसके लिए पोस्ट और एससी के लिए 2, ओबीसी 3 है, जनरल 6 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1। कुल पदों में 5 पद भूतपूर्व सैनिकों तथा 1 पद है जो लोकोमोटर अक्षमता के लिए जो आरक्षित है। तो 1 भूतपूर्व, 5 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए है जो किसी पद पे पहले नौकरी कर चुके हों आर्मी में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो डिफेंस से रिलेटेड हो। 1 पद है जो हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जो है वो है करनाल। करनाल में टोटल 19 पोस्टें हैं, ये डिफरेंशिएट किया गया है एससी के लिए 4, फिर ओबीसी के लिए, फिर जनरल के लिए, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए और हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए। गुरुग्राम में 28 हैं, इसका दिए गए 1 मार्च है। जो आप पहले ये ध्यान रखें कि इनके लिए जो हिसार और भिवानी के लिए सिर्फ जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है, और करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए है जो वो दी गई है 1 मार्च, 1 मार्च और 1 मार्च। सभी की डिटेल्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है जींद के लिए, इसकी भी 1 मार्च है और टोटल पोस्ट है जो 22 है जींद में। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 28 है और केथल में दी गई है 6 पोस्ट, रेवाड़ी में दिए गए है 11, महेंद्रगढ़ 6, चरखी दादरी 2, इसके लिए 2 मार्च, रोहतक और झज्जर के लिए 3 मार्च और सिरसा के लिए है जो 4 मार्च है। सिरसा में जो कुल पद है 13, फतेहाबाद में है जो कुल पद है 6 और पानीपत में है, पानीपत के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और पानीपत इस सर्कल में जो आते हैं उनके लिए जो 15 और 10 और 4 मार्च। सिरसा सर्कल में 2 आते हैं, सिरसा फतेहाबाद, रोहतक में रोहतक झज्जर, रेवाड़ी में आते हैं 3, रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, और जींद आता है जींद और कैथल जींद में, फरीदाबाद में फरीदाबाद 9, पलवल, गुरुग्राम में गुरुग्राम, करनाल में सिर्फ करनाल और हिसार में हिसार और भिवानी। मतलब हिसार और भिवानी के लिए जो 26 फरवरी लास्ट डेट है। अब योग्यता समझ लीजिए, योग्यता है 12वीं पास, हिंदी व अंग्रेजी का बुनियादी ज्ञान, स्नातक पास। आवेदक इन पदों पर नियुक्ति के पात्र नहीं है, जिसने बीए कर रखा है वो ये फॉर्म है जो अप्लाई नहीं कर सकते। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इसमें है जो मांगा गया है, आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके साथ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और आयु सीमा है 18 से 24 बरस, और इसमें जो छूट दी गई है ओबीसी के लिए 3 वर्ष की होती है 27 साल, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की होती है 29 वर्ष, और दिव्यांग के लिए जो हैंडीकेप कैंडिडेट है उनके लिए 10 वर्ष होती है, और एससी एसटी के लिए है जो जैसे एससी एसटी के लिए 15 साल होती है तो 15 और 24 39 39 साल तक, ओबीसी के लिए 30 वर्ष तक है छूट, और सामान्य वर्ग के दिव्यांग के लिए है जो 34 वर्ष है, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स जो हैंडीकेप है उनके लिए 34 वर्ष है। 1984 के दंगों में मृतकों के परिवारजनों के लिए है जो 27 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष। आवेदन का कोई शुल्क नहीं है, इसमें आपको फॉर्म भर के है जो भेजना होगा। संबंधित जिला स्थित बैंक शाखाएं, नियुक्ति स्थल है जैसे कि आपको पानीपत है, पानीपत का पानीपत को ही भेजना है, जो पानीपत के और सोनीपत के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म उनको पानीपत का जो पीएनबी का लोकल हेड ऑफिस होता है या सर्कल ऑफिस होता है उसको फॉर्म भेजने हैं।
नीचे ये भी देख लें, आवेदक का नाम संबंधित जिले के रोजगार का ले लें, जिला सैनिक बोर्ड में दर्ज हो अथवा आवेदक के पास है जो संबंधित जिले का निवास प्रमाण पत्र हो। निवास प्रमाण पत्र यानी कि हरियाणा डोमोसाइल यानी रेजिडेंट सर्टिफिकेट और संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय, जैसे आप पानीपत के सर्कल के अंडरगा पानीपत सर्कल में दो आते हैं, सोनीपत और पानीपत। आप सोनीपत के रहने वाले हैं तो आपको सोनीपत का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपका नाम है जो दर्ज होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम आपका दर्ज होना चाहिए, उसका कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो कार्ड की फोटोकॉपी है जो इसके फॉर्म के साथ लगेगी। जो जिसका रोजगार कार्यालय में नाम नहीं है वो इन पदों को अप्लाई नहीं कर सकते। सोनीपत में होता है जैसे कि सिरसा है, सिरसा का कैंडिडेट है तो वो सिरसा के रोजगार कार्यालय में उसका नाम होना अनिवार्य है। और यह आपको समझ आ ही गया होगा, निवास प्रमाण पत्र आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि फॉर्म है जो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। यह अंग्रेजी में फॉर्मेट दिया गया है, आप इसको है खुद बना भी सकते हैं, जैसे आप वर्ड फाइल में बना सकते हैं, कैफे वाले के पास बना हुआ भी मिल जाएगा आपको। इसमें दिया गया है नेम, फादर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डोमोसाइल, कैटेगरी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और इसमें नेशनलिटी, लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए इसमें 11 नंबर कॉलम है, 11 नंबर कॉलम में दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यस और नो, तो वो होना अनिवार्य है। फिर पैन कार्ड नंबर, अगर पैन कार्ड नंबर है तो वोटर आईडी नंबर, एनी कोर्ट केस चल रहा है आपका तो उसके बारे में जानकारी देना। फिर नीचे दिया गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और डोमेसाइल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड फोटोकॉपी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड इफ एप्लीकेबल। तो ये आपको इसके फॉर्म के साथ है जो भेजने होंगे, हार्ड कॉपी, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये फॉर्म है। और हिंदी में फॉर्म है, जो हिंदी में फॉर्म का फॉर्मेट है ये देखिए कि पंचकुला डिवीजन के अंदर का जो है, पंचकुला डिवीजन है, सभी डिवीजन का अलग अलग ऐसे भी निकाला गया है फॉर्म। ये देखिए ये पंचकुला डिवीजन ने जो निकाल रखा है फॉर्म, ये पोस्टें निकाल रखी है अंबाला और पंचकुला में, अंबाला में 9 है और पंचकुला में भी 9 है। तो ये फॉर्मेट, ये जो है पोस्ट निकाली गई है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख है जो 1 मार्च है, पंजीकृत डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रेषित किया जाए। इसके जो मूल वेतन रहेगा, जो सैलरी रहेगी, वो 14,500 रुपये आपका बेसिक रहेगा और अन्य भत्ते हैं जो बैंक के नियमानुसार दिए जाएंगे। तो सैलरी रहती है ये करीबन आपकी 27-28 हज़ार के करीब सैलरी हो जाती है इसमें। आप देख सकते हैं ये आवेदन का है जो फॉर्मेट है हिंदी में, आप इसको हिंदी में भी बना सकते हैं वर्ड फाइल में बना के, और आप है जो फॉर्म है जो भेज सकते हैं हिंदी में भी बना के, ये आपको दिया गया है। ये फॉर्मेट दिया गया, आप इस फॉर्मेट को भी हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया भी दिया गया है, अभ्यर्थियों को चयन उनके द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। 10वीं में प्राप्त अंकों की वेटेज है जो 40% और 12वीं के लिए 60% है जो ली जाएगी, ये आपको दिया गया है। ये आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से शेयर करें। हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें शेयर करें कि वो अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकें। धन्यवाद साथियों।